अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं आया हूँ एक्सपो को बाय बाय कहने, अलविदा कहने। लास्ट वीक है एक्सपो का। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं एक्सपो आया था स्टार्ट में, बिल्कुल जब एक्सपो स्टार्ट हुआ था, तब मैं एंड में आया हूँ, बिल्कुल आखिरी में। और ज़बरदस्त रश है, इससे हाई ज़्यादा रश है यार। पाकिस्तानी पोविजन पे रश को देखो यार, ये लाइन देखो, इस तरह लग रहा है कुछ प्रोग्राम वोग्राम है कि सबको बाहर रोका हुआ है। अच्छा, आज मेरे साथ वीडियो में मेरा भाई भी है, इधर आ जाओ ना यार। आज मेरे साथ वीडियो में ये इसको आप लोगों ने पहले वीडियोस में देखा होगा मेरे साथ, जब मैं पाकिस्तान में था। और अब ये दुबई आए हैं जॉब के लिए, जॉब हंटिंग के लिए। एक महीना हो गया भाई, ये अपने जॉब का एक्सपीरियंस आप लोग तक शेयर करेगा जब टाइम आएगा, अभी तक चल रहा है। कैसा लग रहा है? एक्सपो के बारे में भी सिर्फ सुना था, अभी देखा। नहीं, अच्छा है, कलरफुल बनाई हुई है। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमें पहले जो है ना वो आया था ना फर्स्ट इंप्रेशन, वो पाकिस्तानी पाकिस्तानी पवेलियन को बंद किया हुआ है 4:30 to 6:30, पता नहीं किस रीज़न से इतने ज़्यादा रश, इतने लोग आए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तानी पवेलियन बंद किया हुआ है, अजीब है। ये तो मैं जो सोच के आया था वो तो हो ही नहीं पाएगा। मैं सोच रहा था कि रैंडमली बहुत से पवेलियन में घूम के आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर तो इतना ख़तरनाक रश है, एक एक पवेलियन के सामने हज़ारों लोग खड़े हैं। अब पता नहीं, ये देखो सऊदी पवेलियन के सामने लाइन देखो। टाइम क्या है? टाइम है 5:35 पे हम सऊदी पवेलियन के लाइन में खड़े हैं। देखते कितने मिनट में हमारा नंबर आएगा, इंतहाई ज़्यादा रश है। भाई 20 मिनट हो गए और अभी तक हम क्यों नहीं जा रहे हैं, और 50% ये भी नहीं हुआ क्यों? 20 मिनट हो गए। भाई 45 मिनट हो गए और अभी तक हम लाइन में हैं, तो तकरीबन 80% लाइन हमने ख़त्म कर दिया, फिर 20% रह गया, ऑलमोस्ट पहुंच गए। भाई 50 मिनट्स तेरे और कुछ बोलो, 50 मिनट लाइन में खड़े हो गए। मैं जो बोल सोच के आया था वो सारा मैं भूल गया हूँ। अंदर में भी थोड़ा सा ठंड हो गया, मौसम अच्छा है, एसी लगा हुआ है, अभी भी पूरा अंदर नहीं आया मैं अभी, तो कभी स्टार्ट नहीं हुआ, बट 50 मिनट्स के अंदर हम जस्ट एंटर हो गए, तो मामला तो ख़राब हो गया। स्मार्ट क्यूज वाले जो है ना, ज़बरदस्त 2 मिनट के अंदर आ जाते हैं, बट स्मार्ट क्यू का भी कोई फ़ायदा तो है नहीं, 4 दिन बाद एक्सपो ख़त्म हो जाएगा। तो भाई सिर्फ एक पवेलियन देखने में पूरा 1 घंटा और 5-10 मिनट लग गए एक पवेलियन में, उसमें से सिर्फ 10 मिनट में हमने पूरा पवेलियन देखा, और तकरीबन 50-55 मिनट हम क्यू में खड़े रहे। तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसा था सऊदी पवेलियन? अच्छा था, प्यारा था। अच्छा, इसको इसने एक्सपेक्टेड नहीं किया, इसको लगा था पता नहीं ये एक्सपो क्या चीज़ है, वैसे मतलब हार्डबोर्ड के कुछ घर वर बनाए होंगे, बट यहाँ के ये सरप्राइज़ हो गया कि ये मतलब प्रॉपर बिल्डिंग्स है और ज़बरदस्त स्क्रीन सब कुछ।
जरा अंदर सिर्फ स्क्रीन, बाहर से जो दिखते हैं ना वो अंदर नहीं है, अंदर आपको सिर्फ स्क्रीन लगाया होता है, स्क्रीन में आपको जो है ना वो मतलब पूरी कंट्री आपको दिखाते हैं ना कि हमारे कंट्री में क्या है। सऊदी पवेलियन में मैंने पहली वीडियो बनाई है तो आप देख लो, ये मेरे यहाँ पर दिख रहा होगा। मैंने तो अंदर वीडियो नहीं बनाई, मुझे पहले बनाई थी वीडियो, मैं तो इसको सिर्फ दिखाने के लिए ले गया था। पाकिस्तान में जाएंगे, इसको पाकिस्तान का पवेलियन दिखाएंगे और पता नहीं और कौन से में जाएंगे, देखते हैं। तो एक पवेलियन देख के थक गया हूँ। ये वाला चीज़ है ना, ये लास्ट टाइम जब मैं आया था ये उस टाइम पे नहीं था, ये अभी नया बनाया हुआ है। बहुत सी पवेलियंस के नाम इन्होंने चेंज कर दिए और ये जगह भी पहले नहीं थे। पहले यहाँ पर याद है मैंने यहाँ पर जब इंडे पवेलियन जा रहा था तो इसी रास्ते से मैं गया था, तो उस टाइम पे ये कुछ भी नहीं थे, बंद था। ऐसे लेटे हुए ना, थक गए सारे थके हारे लोग इधर बैठे हुए। इंडिया वाले पवेलियन के अंदर तो मैं नहीं जा रहा है, लेकिन आप लोगों को जस्ट दिखा रहा हूँ मैं कि वहाँ पर कितना रश है। ये इंडिया पवेलियन है और वो वहाँ से शुरू हो जाता है लाइन, और यहाँ से आके 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 ये पता नहीं कहाँ तक गया हुआ है लाइन। नामालूम हद तक लाइन गया हुआ है, तो अच्छा हुआ है हमने पहले ही देख चुके हैं हम ये, और ख़तरनाक रश इंडियन पवेलियन पे, ख़तरनाक। अभी जाते हैं हम भाई यही पवेलियन में, यही पवेलियन जो है ना मैंने भी अभी तक नहीं देखा, तो मैं ख़ुद भी उसको देखूंगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा यही पवेलियन। हाय करो, अच्छा यार ये पीछे जो है ना ये यूएई पवेलियन है, और ये लाइन आप लोग देख रहे हो, ये लाइन देखो तो इतना ज़बरदस्त, इतना ज़बरदस्त क्या मतलब, इतना लंबा लाइन है। तो अनफॉर्चुनेटली यार इसमें भी हम नहीं जा रहे, तो मुझे लगता है बस ये सिर्फ आना ही काफ़ी था हमारे लिए, आज आज के दिन ये आना ही काफ़ी था, क्योंकि किसी भी पवेलियन में अंदर जाने की वो वाला सीन नहीं है कि मतलब आप जिस तरह लास्ट टाइम में आया था बस विद इन 5 मिनट्स में पवेलियन के अंदर होता था, अभी वो सीन नहीं है। अभी पूरा एक एक पवेलियन में एक एक घंटा लग रहा है, एक एक घंटा भाई सोचने वाली बात है। सिर्फ एक पवेलियन में गई के ऐसे वाले में और एक घंटा और तकरीबन 10-15 मिनट लग गए वहाँ पे, तो हालत ख़राब हो गई। अभी एटलीस्ट मैंने सोचा कि पाकिस्तान वाले पवेलियन में जाऊँगा, वो सामने दिख रहा है मुझे, बट थोड़ा करीब जाके देखता हूँ कि उसमें कितना ट्रैफिक है, लाइन कितना ज़्यादा है, तो मुझे लगता है शायद वो भी मैं जा पाऊँ। और ये पीछे अलबेग है भाई, अलबेग में भी वही लोग जाएंगे जो सुबह से आए हैं और भूखे प्यासे घूम रहे हैं, तो वही लोग हिम्मत कर सकते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है नंबर जो है ना 2-3 घंटे बाद ही आएगा जो लोग भी लाने, इतने लंबा लाइन जितना किसी पवेलियन को लाइन नहीं इतना अलबेग को है, सब भूखे है भाई, वो मजबूरी है, वहाँ पर जाना ही पड़ता है। ये भाई ये इजिप्ट का पवेलियन है, मुझे इसमें भी जाना था, मुझे यही पवेलियन में भी जाना था, सिर्फ मैं एटलीस्ट मेंशन तो कर दूं ये कहाँ का मुझे जाना था, मुझे अलिफ पवेलियन में जाना था, मुझे जापान पवेलियन में जाना था, लेकिन ये देखो इजिप्ट पवेलियन के सामने रश देखो। अब ये रश को बंदा देख के बोलते कि यार यहाँ से निकलो, क्योंकि ऑलरेडी हम तकरीबन 4-5 बजे तो हम आए थे, 4:30-5 बजे, और ये भी 7-8 बज गए, सिर्फ एक पवेलियन हमने देखा और थोड़ा सा एक्सप्लोर किया एक्सपो को, तो ईच एंड एवरी पवेलियन में इतना रश है ना, ये देखो पीछे ये जो पवेलियन का रश देखो, खतरनाक रश है यार। ओहो स्विट्जरलैंड वाले इसमें तो मैं गया हूँ, स्विट्जरलैंड पवेलियन के सामने रश देखो, बहुत बड़ा लाइन है भाई। ये तो एटलीस्ट मैंने अच्छा किया कि बंदी की सुटे दूच बंदी और डर नाव बन जाएगी यार। हाँ बच्चे क्या है ना, ए जाओ आ जाओ। तो ये स्विट्जरलैंड का चलो मैंने चेक किया, देखा हुआ है बड़ा ज़बरदस्त पवेलियन है और ख़तरनाक रश है इसमें भी। ये भी किसी दिन अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करेगा तो भी सब प्रैक्टिस कर दे। ये बोल रहे क्राउड में, ये इधर पक बोल रहा, ये बोल रहे क्राउड में ब्लॉगिंग करना आसान है, तो चलो आसान है मेरे लिए तो बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको जो है ना अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा भाई पवेलियन। कौन सा नहीं अच्छा है, लेकिन यार बहुत थकावट है, बहुत थकावट है, थकावट ये जो है ना इतना क्राउड में जो है ना मैं किसी चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं करता,
रखता है, एक एक पवेलियन के लिए घंटा घंटा इंतजार करना पड़ेगा, पर अंदर जाओगे तो नॉट इनटू दैट। अंदर से अच्छे पवेलियन देखने के लिए अगर बंदा आ जाए, लेकिन आपको जो एक घंटा इंतज़ार करना पड़ता है ना, वो बहुत जो है ना, वो एक्चुअली ये अभी है, मतलब अभी लास्ट मंथ जो है ना, लास्ट मंथ में रश बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग ये बोल रहे हैं, ये कौन सा पवेलियन है, देखा होगा ना, बेलारूस, बेलारूस का पवेलियन है, बेलारूस। तो तेज़ बोलना पड़ेगा आपको ब्लॉगिंग करते हो, इतना इतना स्लो आवाज़ आपके नहीं जाएगी। अच्छा सही है, तो तेज़ बोलना पड़ेगा। अच्छा अभी हम वापस जा रहे हैं ना एक्सपो से, आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे, ये जाने का रास्ता है इधर, ये अभी हम जो है ना वापस जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो बस ये हो गया, इंजॉय कर दिया। पूछता मैं ब्लॉगिंग करो दोनों पर, किसे निश्ता खान खान खजे दे मड़ा दगा पा रहा है, एक्सप्लोर को दे पा रहा है, कम नहीं होने भी जे दे राशा खमजेदार, वो सड़ी पकड़े जा सड़कीगी, सड़ी पकड़े जा सड़कीगी, लगा पखाने लगा कार तलेगी और बार सके मैं हो बगीवी जैसा घंटे इंतजार पके मड़ा यो लगा था बड़े बड़े जगह दुनिया का ने जोड़ी कड़ी बेल बेलता और जा पके समझे ने बेल लगे जो पड़े भाई। तो फाइनली हमारा जो एक्सपो का ट्रिप है आज का अपने अख्ताम को पहुंचता है, और हमने पाकिस्तान पवेलियन भी नहीं देखा। जो हमारा क्रू है वो तक गए, इंक्लूडिंग मी, बहुत तक गए भाई, बहुत तक गए, सिर्फ एक पवेलियन देखा। बट ये कि हम बस बाय बाय बोलने आए थे एक्सपो को, क्योंकि भाई 6 महीने ने उसने सर्व किया लोगों को, यूएई को, पूरी दुनिया के लोगों को सर्व किया, बहुत एंजॉय किया लोगों ने, एंटरटेनमेंट और नई नई चीज़ें लोगों ने देखी, ज़बरदस्त था यार, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये 6 महीने का। तो बस मैं आखिर में इसको थोड़ा सा देखने आना था मुझे, वो फोटो ख़राब कर दिया हमने उसका, तो मुझे सच आखिर में थोड़ा आना था देखने के लिए, क्योंकि फिर ये पता नहीं लाइफ में कब देखने को मिलेगा इस तरह कोई एक्सपो कुछ भी। तो सीधा जाएंगे, नहीं वो है वो दादी खाब। तो फाइनली भाई पार्क में पहुंच गए यहाँ पे, और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बहुत तक गए यार, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, आई होप जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़बरदस्त पुरसकून माहौल है, जब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया तो बहुत गर्मी थी, अभी गर्मी नहीं है लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा है, रश बहुत ज़्यादा है।